आधार का भ्रष्टाचार पर एक और वार, मुफ्त माल काटने वालों का खेल हुआ तार तार। मोदी सरकार के इस हथियार से बंद हो गया झूठ का कारोबार। यूपी में आंगनवाड़ी सेवाओं में आधार की अनिवार्यता को अभी लंबा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन अभी से यहां भी पीएम मोदी के वार से गड़बड़ झाले का व्यापार बंद होने लगा है। यूपी के आंगनवाड़ी केंद्रों में आधार की वजह से 15 लाख फर्जी बच्चों के रजिस्ट्रेशन का पर्दाफाश हुआ है। राष्ट्रीय पोषण परिषद की बैठक में खुद यूपी सरकार ने ये चौंकाने वाला आंकड़ा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिया है। यूपी में लगभग 1.88 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 1.08 करोड़ बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इस फर्जीवाड़े को पकड़ने के बाद अब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर हर महीने 35 करोड़ और सालाना 420 करोड़ रुपए बचाएंगे। ये पैसा जो अब तक भ्रष्टाचारियों की जेब में जा रहा था, अब दूसरी सामाजिक योजनाओं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च होगा। ये उसी आधार की ताकत की वजह से हुआ है, जिसकी टांग खिंचाई विरोधी दल किया करते हैं।